नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस एंड एजुकेशन एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का पाठ दूसरा जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्गीकरण के प्रकार और वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वर्गीकरण का संक्षिप्त परिचय। तो वर्गीकरण के प्रकार, वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, जाति वृत्तीय वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण और रसायन वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है? कृत्रिम वर्गीकरण केवल एक या कुछ लक्षणों के आधार पर उन लक्षणों की तुलना की जाती है और उसके आधार पर ही यह जो वर्गीकरण किया जाता है वह कहलाता है कृत्रिम वर्गीकरण। हम उदाहरण ले लेते हैं, पंखों की उपस्थिति के आधार पर अगर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है तो वह कृत्रिम वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। अगला हम देखते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। जीवों के अनेक लक्षणों के ऊपर आधारित जो वर्गीकरण होता है वह होता है प्राकृतिक। जैसे कृत्रिम, कृत्रिम में क्या है, केवल एक लक्षण पर आधारित यह उस लक्षण की तुलना की जाती है उसको कृत्रिम। लेकिन जो प्राकृतिक वर्गीकरण होता है वह जीवों के अनेक लक्षणों पर आधारित होता है, तो ऐसे वर्गीकरण को हम कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक है जो डार्विन के सिद्धांत से पहले ही इन्होंने यह वर्गीकरण था। यह वर्गीकी की दृष्टि से और व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से आज भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा? बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण। बड़ी क्लासों में जब हम पढ़ते हैं कॉलेज लेवल पर तो इसके का वर्गीकरण हमको पढ़ना पड़ता है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण, जीवों के जाति वृत्तीय जो संबंध होते हैं जिसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशंस भी कह सकते हैं और कोशिका के जो आनुवंशिक संबंध होते हैं इन पर आधारित जो वर्गीकरण किया गया है वह वर्गीकरण कहलाता है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो अपने को मेन बात क्या याद रखनी है कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण एक फर्स्ट बात कि आनुवंशिक संबंधों पर आधारित होता है और दूसरा होता है जाति वृत्तीय संबंधों के आधार पर। अगला आता है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है? 1950 के बाद इस वर्गीकरण का विकास हुआ, इस पद्धति का, जिसमें जीवों के बीच समानता और विभिन्नताओं के मूल्यांकन से गणितीय और संख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया गया। मतलब कितनी समानता है, कितनी विभिन्नता है, इनका संख्यात्मक विधि से इसका प्रयोग किया गया और इस विधि में जीवों के अधिक से अधिक गुणों की तुलना की जाती है तथा किसी एक गुण को वरीयता नहीं दी जाती। जैसे कृत्रिम वर्गीकरण में केवल एक गुण को वरीयता देकर उसके आधार पर ही वर्गीकरण किया गया था, लेकिन संख्यात्मक वर्गीकरण में बहुत सारे गुणों की तुलना की जाती है और एक गुण को वरीयता नहीं दी जाती और इसमें कंप्यूटर की भी मदद लेते हैं। अगला आता है रसायन वर्गीकरण। रसायन वर्गीकरण क्या होती है? यह जो पद्धति है यह जीवों के रासायनिक संगठन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के रासायनिक संगठन में जो समानता होती है उस समानता के आधार पर या रासायनिक पदार्थों में समानता के आधार पर इसमें संबंध को स्थापित किया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण, जाति वर्गीकरण, जाति वर्गीकरण को एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल ने प्रस्तुत किया था। तो ये कभी भी प्रश्न आ जाता है कि जाति वर्गीकरण प्रस्तुत किसने, करने वाले कौन थे, पादप विज्ञ, तो एडोल्फ एंगलर तथा कार्ल प्रेंटल ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने जाति वृत्तीय वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। प्राकृतिक वर्गीकरण को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो बेंथम, हुकर। तो इस प्रकार हम वर्गीकरण के प्रकार का प्रश्न बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।